हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और बढ़िया होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया और खास होने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास है दो सिरप, लिपकॉन एंड एसिकॉन। ये दो सिरप से जुड़ी बहुत लोगों की बहुत सारे सवाल है, जो इस वीडियो में सारे सवालों के मैं आंसर दे दूंगा। साथ ही साथ ये दो सिरप अगर आप एक साथ इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले लोगों को एक सवाल रहता है कि ये दो सिरप को हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, और कर सकते तो हम कैसे, कौन से टाइम में कौन से सिरप को लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप दो सिरप को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। एक साथ मतलब ये नहीं कि इसे एक साथ एक ही टाइम पे नहीं, अब अलग अलग टाइम पे एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप लिपकॉन सिरप को खाने से पहले आप दो ढक्कन ले सकते हो, और एसिकॉन सिरप को आप खाने के तुरंत बाद ही आप इसे दो ढक्कन ले सकते हो। इसे भी आप दोपहर और रात में खाने से पहले लो, और इसे भी आप दोपहर और रात में खाने के तुरंत बाद ही लो। तो दोनों सिरप को आप इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, और दोनों सिरप को अगर आप इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करोगे आपको इतनी बेनिफिट मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं लिपकॉन सिरप के बारे में। देखो, लिपकॉन सिरप की अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबके सब आयुर्वेद इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स पे झांकोगे तो पांच ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाला गया है, जो आपके शरीर के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए एक बेहतरीन काम करने वाला है। जैसे कि इसके अंदर ब्रिंगरास, कुटकी, चिरायता, गुदुची, भुई, आमला, ये सब चीज इसके अंदर दी गई है, और ये आपको इतनी बेनिफिट देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि अगर आपके लीवर की समस्या है, अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो, आपके डाइजेशन सिस्टम को और भी बेहतर बना देगा। साथ ही इसके अंदर मौजूद है फाइबर और विटामिन सी, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करेगा, आपके लिवर फंक्शन को बेहतर करेगा एंड आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर करेगा। आपके पेट में जितने भी एसिडिटी और गैस की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, इन आपको बहुत सारे लोग ऐसे है जो खाना चाहते हैं लेकिन एपेटाइट अच्छे नहीं है, रुचि नहीं है खाने के ऊपर, तो रुचि बढ़ाने में भी आपको मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, दो ढक्कन आपको 10 से 15 मिनट पहले खाना खाने से पहले आपको ले लेना है। अब आते हैं एसिकॉन सिरप में। एसिकॉन सिरप में भी आपको बहुत सारे जड़ी बूटी देखने को मिलेगा, जितने भी कंपोजिशन है, जैसे कि गुदुची, सांत, चिरायता, पिपाइता, ब्रिंगराज, ये सब चीज इसके अंदर, पैडल, ये सब चीज इसके अंदर डाला गया। दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि गुदुची आपको मसल मास बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जिन लोगों की गाल पिचके हुए है या दुबले पतले, वो इस सिरप को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। या तो गैस की समस्या जो लोगों की हो रही है, एसिडिटी की समस्या हो रही है, तो ये सिरप से उसे आप मुक्ति पा सकते हो। अगर आपकी पेट की समस्या या डाइजेशन के प्रॉब्लम, कुछ भी खाते हो डाइजेस्टिक से नहीं होता है, तो तभी भी आप एसिकॉन सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इस सिरप से सिर्फ आपके पेट की समस्या नहीं, आपके शरीर में एक अलग ही बदलाव आप महसूस करोगे। पेट की सारे जो समस्या है खाने से लेकर जुड़ी, वो सारे तो सॉल्व भी हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी और मसल मास बढ़ाने आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और दो सिरप को अगर आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हो तो आपकी सारे समस्या हल हो जाएगा। जितने भी समस्या पेट से जुड़ी है, डाइजेशन से जुड़ी है, मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है, या लीवर की कुछ समस्या, लीवर को आप डिटॉक्स करवाना चाहते हो, लीवर की जितने भी समस्या है वो ये सिरप दूर कर देगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी बना देगा, दुबले पतले लोगों को थोड़ा मोटा बना देगा, पिचके गालों को आपको फुला देगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको दो सिरप से मिलने वाले। और बहुत लोगों को सवाल आता है कि दो सिरप इस्तेमाल कर सकते नहीं, जरूर अगर आप दो सिरप साथ ही साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो तक खत्म करते हैं। अगर आप लिपकॉन और एसिकॉन सिरप को इस्तेमाल करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनकी वेबसाइट हर जगह आपको मिलेगा। उजाला आयुर्वेद आश्रम की जो वेबसाइट है वहां से भी आप इसे परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो तक खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।